तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अब हम लोग सॉल्यूशन के बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि सॉलिड स्टेट भी पढ़ाएंगे हम, लेकिन इस चैप्टर के बाद, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में सीबीएसई सिलेबस में लास्ट ईयर नहीं था, इस बार ऐड किया गया है अभी तक का फिलहाल जो अपडेट है। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। वो चैप्टर भी पीछे हमारा छूटा हुआ है, वो फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स थे पहले, ठीक है, और अब भी हो गए हैं, लास्ट ईयर नहीं थे वो। इस बार क्या है हमारे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये हमारे 5 चैप्टर्स हैं जो हमारे किसमें ऐड किए गए हैं, नए सीबीएसई सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में ऐड किए गए हैं। तो 5 चैप्टर्स है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री और टोटल हमारे बोर्ड में 23 मार्क्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम एक चीज सबको स्टडी करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले पढ़ा सॉल्यूशन चैप्टर और कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी हमने कराया उसके। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपने लास्ट चैप्टर एंजॉय किया होगा। तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, मेन चीज वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा इस चैप्टर से हमारा जो मोस्टली बोर्ड में बनता है, सीबीएसई बोर्ड की बात बनता है, आईसी बोर्ड में बनता है, लास्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल हमारा मोस्टली बनता है 2 or 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स के चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक नंबर का क्वेश्चन हमारा वैल्यू बेस्ड बन जाता है, या फिर इस बार जो पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न बन जाता है, या फिर असेसमेंट रीजन का क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर फैराडे लॉ से क्वेश्चन बन जाता है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। देन आफ्टर हम जो यहाँ पर सेकेंडरी सेल पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सेल में उनमें कुछ इंपॉर्टेंट उनके यूज बन जाते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन बन जाता है, वो बनते हैं, या फिर हमारे कई बार रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन, कोलॉस लॉ का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है। तो वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, वो हमें एक एक करके पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, एक आध बार ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि इस बार हमारे पेपर का पैटर्न भी चेंज है, आपको पता होगा, ठीक है, लास्ट इसी साल से सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है, आईसी लाइक हो गया, जैसे कि आईसी मूव करता था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होता था हमारा, फिल्म दी ब्लैंक पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, फाइव बी टाइप के क्वेश्चन होते थे, इस टाइप क्वेश्चन हमारे इसमें एड किए गए हैं इस बार। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या एक्चुअली बेटा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज ट्रांसफर, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, और वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज ट्रांसफर, मेन चीज क्या है कि किसका स्टडी कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में चार्ज ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, और वो चार्ज ट्रांसफर बेसिकली किसमें चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना चाहिए। तो जिसका जो हम स्टडी करते हैं, इसी वजह से हमने दूसरा लिखा, वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस तरह से केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसका जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब मेन चीज आती है, चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मेरे डेली लाइफ में, हम लोग के डेली लाइफ में। तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं फैन, लाइट्स, तो दीज आर द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कहीं कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, चाहे जिस वे में हो रही हो, या तो फिर वो फिजिकली वे में हो रही है, मैग्नेट में कोई चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वहां पर, जनरेटर के थ्रू हो रहा है, या फिर बैटरी में होती है हमारी, जैसे बेसिकली हम लोग इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं, तो इन्वर्टर बैटरी में क्या है, हमारी केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है जब वो चार्ज हो रहा है, और जब लाइट चली जाती है तो वही स्टोर केमिकल एनर्जी
अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन्वर्टर के थ्रू और हमें लाइट मिलने लगती है। दैट मीन अनइंटरप्टेड लाइट मिलती है, इसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। विदाउट इंटरप्शन के हमें पावर सप्लाई मिलती रहती है। क्यों मिलती है? मोबाइल्स हमारे जो बेस्ड हैं तो भी किस बेस्ड है, बैटरी डाउन होती है, हम चार्ज करते हैं। क्यों? जब चार्ज कर रहे होते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। जो हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो वही स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है और फाइनली हमारा मोबाइल ऑपरेट होने लगता है। तो दैट मीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच फॉर अस। डिफरेंट फील्ड्स, अब हम लोग रस्टिंग देखते हैं, रस्टिंग जंग लग जाती है दरवाजों में, वो पेंट करते हैं तो पेंट ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऐसा नहीं कि चार से ही होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हमारा एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स से भी होते हैं, जैसे लोहे में, आयरन में रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। तो ये भी कैसा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, आयनिक एक्सचेंज होता है, रेडॉक्स प्रोसेस। एक्चुअली बात की जाए तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे रेडॉक्स प्रोसेस है। रेडॉक्स दैट मीन हमने क्लास 11 पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था, दैट मीन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। दैट मीन एक कंपटीटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जनरेट होता है। तो एक से इलेक्ट्रॉन पर कोई डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज द कंपटीटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पर। और कंपटीटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू ही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉलो होते हैं। दैट मीन एक रिडॉक्स प्रोसेस है और यहाँ पर सिंगल ऑक्सीडेशन या सिंगल प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखना है कि किसी यूनिवर्स में कोई ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिसमें केवल रिडक्शन हो रहा हो या फिर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो। अगर होंगे तो दोनों साथ साथ होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है दोनों, मीन्स दोनों साथ साथ होंगे, कभी अकेले नहीं होंगे। अगर रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी किसी ना किसी का जरूर हो रहा होगा, ये श्योर है। तो इसी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वो भी हमारी एक रिडॉक्स प्रोसेस है। तो बात करते चलते हैं इनके बारे में, तो इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात की, इनकी और फील्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे हम लोग मेटल इंडस्ट्री में है, रस्टिंग को रोकने के लिए यूज करते हैं। हमारी व्हीकल इंडस्ट्री है, गाड़ियों में जल्दी से जंग न लगे इसके लिए क्या होता है, उनके जो मेटल बॉडी है उसको पर्टिकुलर पीएच पर प्रोसेस करते हैं। घरों में पिकल्स है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें हैं, साल्ट उसमें ऐड करते हैं तो उसका पोटेंशियल मेंटेन रखता है। घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, एनर्जी सप्लीमेंट्स के लिए हम इनको यूज करते हैं। ड्राई सेल्स हमारे जो होते हैं एनर्जी सप्लीमेंट के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद स्टडी करते हैं, दैट सी आज पॉसिबल है कि लोग पहले इन्वर्टर बैटरीज आती थी, आज के 10-15 साल पहले हम लोग जाते हैं, 20 साल पहले तो बैटरीज की उतनी लाइफ नहीं होती थी। पता चले 10 घंटे चार्ज होती थी, 2 घंटे बैकअप मिलता था। आज क्या होता है, 1 आवर 2 आवर की चार्जिंग होती है, हमें ज्यादा देर तक बैकअप मिलता है। क्यों? ये हमारे डिफरेंट स्टडी है। मोबाइल की छोटी सी बैटरी कॉम्पैक्ट साइज हो गई, काफी ज्यादा पोटेंशियल भी देती है। आज बाइक में बैटरी छोटी कॉम्पैक्ट बैटरीज आ गई, काफी देर तक चलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग देख रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, की हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चुनाव स्टडी किया उसी का रिजल्ट है। पहले बैटरीज में लेड एसिड बैटरीज होती थी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी होता था। आज भी लेड एसिड बैटरीज है लेकिन वो कॉम्पैक्ट बैटरीज है, एवोल्यूशन गैसेस का कम है, इस वजह से क्या कम हार्मफुल है, लेड कम निकलता है, जिस कमरे में रखी होती थी काफी मुश्किल पड़ जाता था। तो आज हम लोग इसी बारे में स्टडी करते हैं। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हमारे कैसे प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत जान लेते हैं पहले, कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में जैसे आता है हमारा एक वर्ड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली बेटा क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं और इनके जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दैट मीन दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर हेल्पफुल टू पास इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन सॉल्यूशन स्टेट, और वी कैन से दैट दीज आर सब्सटेंसेस दैट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन सॉल्यूशन मॉल्टन स्टेट। दैट मीन हम कह सकते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस, और बेसिकली हमारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं दैट allow to pass electricity through it in aqueous solution or
मॉडर्न स्टेट। अब मैं बताती हूँ कि एक को सोल्यूशन में मॉडर्न स्टेट ही क्यों जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न स्टेट में, एक को सोल्यूशन स्टेट में ही इनके पास फ्री आयंस होंगे, उधर जैसे हमने वही बोले कि रिडॉक्स प्रोसेस होगा, कम्पलीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फ्री आयंस ही होंगे, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। किसी भी न्यूट्रल मीडियम में जहां पर आयंस नहीं होंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं हो सकती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा, जैसे कि एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड है जो हमारी बैटरीज में भरा होता है, घर में जो इन्वर्टर बैटरीज होती है सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है उनमें, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे कैसे हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं ये टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, मींस दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स that undergoes complete dissociation into ions in aqueous solution. Aqueous solution में अपने ions में completely dissociate कर जाते हैं, जैसे कि sodium chloride ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है, इसी तरह से H2SO4 हमारा होता है तो ये H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक कर जाता है, तो इन्हें कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, इस वजह से हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। और वहीं पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो दे अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। मतलब इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि अमोनियम एसीटेट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट अपने आयंस में नहीं होता है। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन या मॉडर्न स्टेट में, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। दैट इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अलाउ होती है, इनसे पास होती है थ्रू। और ये दो टाइप के होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन में ब्रेक करता है, क्लोराइड में ब्रेक करता है। इसी तरह से हमारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियल डिकम्पोज होते हैं या फिर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है इनके एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। सपोज दैट अमोनियम एसीटेट ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स, तो कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस। अब देखो कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट में बहुत बड़ा फर्क, कंडक्टर का हमारा एक्वस स्टेट में होना जरूरी नहीं होता है। कंडक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है? एक मेटालिक सब्सटेंस होता है, बेसिकली ये मेटल ही होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन अपने आप पास हो जाते हैं। दैट मीन उनके पास केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से होता है। क्योंकि आयनिक साइज की अगर हम बात करेंगे, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज आयन की बात करेंगे तो साइज बड़ा होता है, और जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, मास ज्यादा होगा, उसी वजह से उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे सॉल्ट है बेसिकली, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं, तो उनको हम
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे बात किया जाए प्योर वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टर नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है उसमें। अगर हम मेटल वायर भी ऐसे ही डाल देते हैं तो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके थ्रू आयन पास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके पास फ्री आयन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस वजह से उस इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। तो मीन्स कंडक्टर क्या है, द सब्सटेंसेस दैट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड कंडक्टर। इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल वायर में कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो ये सारे हमारे मेटल्स होते हैं, ये कंडक्टर की तरीके काम करते हैं। वही इंसुलेटर की बात करें तो दीज आर द सब्सटेंसेस that does not pass electricity, जिनसे होकर electricity pass नहीं होती है। For example wood, electricity pass नहीं होती है। Charcoal, इनसे electricity pass बिल्कुल भी नहीं होती है। बोन चाइना हमारी जो होती है, ये भी है सारे सब्सटेंसेस हमारे जो होते हैं, ठीक। प्लास्टिक है, ये सब हमारे इंसुलेटर है क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्यों पास करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि इनमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, गैप बन जाते हैं इनके बीच में, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेमी कंडक्टर। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, हम लोग डोपिंग में पढ़ेंगे फिजिक्स में। सेमी कंडक्टर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट ऑन हीटिंग, या तो हीट करने पर, और इन स्पेसिफिक कंडीशन। अब स्पेसिफिक कंडीशन के यहां पर मीन क्या है कि अभी जैसे हमने बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट मीन इनमें कुछ बहुत इंप्योरिटीज मिला दी गई, तो वो हमारी स्पेसिफिक कंडीशन हुई। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं कि सेल क्या होता है, व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होता है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिवाइस कैसी डिवाइस, जो क्या करती हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हो, उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं उसको, सेल कहते हैं। और अगर कॉन्सेप्चुअली बात किया जाए तो किसी भी सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेटल रॉड को हम लोग ले लें, और उस मेटल रॉड को जब उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में, सपोज दैट ये मेटल एम है और ये एम का ही सॉल्ट सोल्यूशन है, सपोज दैट इससे हमने क्या किया, यहां पर ये हमने जिंक की रॉड ले ली थी और इसमें जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो इस कॉम्बिनेशन को हम एक सेल कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, दैट मीन अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाई डिपिंग रॉड ऑफ मेटल इन इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. एक पर्टिकुलर रॉड मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा वही हमारा सेल बन जाएगा. लेकिन ये केवल कैसा है, हमारा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है. जब रिडॉक्स प्रोसेस है दैट मीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होनी चाहिए, और जब केवल एक ही मेटल इलेक्ट्रोड होगा, जब अपने ही मेटल के साथ सॉल्यूशन में होगा तो वहां पर कंपेटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, और जब कंपेटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो ना वहां पर ऑक्सीडेशन होगा और ना ही वहां पर रिडक्शन होगा. अगर होगा भी मान लेते हैं तो या तो केवल ऑक्सीडेशन होगा या फिर केवल रिडक्शन होगा. ठीक है, तो ये कंप्लीट सेल हमारा नहीं बना. तो कंप्लीट सेल बनाने क्या करते हैं, हम ऐसे ही दो अलग अलग मेटल के मेटल्स लेते हैं, उनको अपने रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन में, जैसे अगर कॉपर है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट में, जिंक है तो जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर देंगे, और उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में जब डिप कर देते हैं और उनको एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमारा एक कंप्लीट सेल होता है. और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हमारा बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर मेटल रॉड लिया और उस मेटल रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर देते हैं तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ था इसको हम बोलते हैं हाफ सेल. लेकिन हाफ सेल हमारा बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. किस तरह का हमारा सेल वर्किंग बन जाए, ये वर्किंग सेल नहीं होगा, केवल ऐसे कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल, थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि नहीं, हाँ ऐसा हुआ तो यह सेल बन सकता है. ठीक है, तो आगे बात करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं सेल के टाइप कितने होते हैं. सेल हमारे यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो मेन डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम पूरे कॉम्बिनेशन पूरे सेल में चलते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनका काम है केवल और केवल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. दैट मीन दे कन्वर्ट्स ओनली केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है, दे कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू केमिकल. जस्ट अपोजिट काम है, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिक को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये हमारे दोनों सेल होता है, डिफरेंस है इन दोनों का. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप जैसे गैनोलिक सेल होता है हमारा, डायनेमिक सेल होता है, वोल्टाइक सेल होता है. तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस टाइप, जैसे मोबाइल की हमारी बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी है, जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. जितने भी रिचार्जेबल हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, जो नॉन रिचार्जेबल हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं. तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं.